कि खुद भाजपा के मंत्रियों की आज से यहाँ प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है, ऐसा क्यों, ये भी सोचने की बात है। वैसे इनको ये मालूम होना चाहिए कि बीएसपी के लोगों ने सबसे पहले आगे आकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से यहाँ कोरोना काल में सरकारी उपेक्षा के शिकार लोगों की काफ़ी बढ़ चढ़ कर मदद की है, और इसी प्रकार ये लोग हमेशा बाढ़ पीड़ितों की भी मदद करते रहे हैं, और अभी भी बीएसपी द्वारा बाढ़ पीड़ितों की मदद जारी है। इसके लिए इनको हमारी पार्टी को सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीजेपी की सरकार को अपनी जिम्मेवारी को सही से निभाते हुए तो इनको बाढ़ पीड़ितों की पूरी पूरी मदद करनी चाहिए, तो ये उचित होगा। अर्थात केवल हवाई दौरा करने से बाढ़ पीड़ितों की समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इनको समय से इन्हें सरकारी राहत सामग्री भी पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही बाढ़ के समय में बीजेपी ने आज से जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, तो बेहतर होता यदि ये पार्टी अपनी इस यात्रा को बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा के रूप में निकाल दी, ये समय की ज़रूरत थी, और इनकी वास्तव में पूरी पूरी मदद भी करती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस दौरान यदि बीएसपी अपने प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन व अन्य कार्यक्रम आदि करती हैं, तो इनको अब यह बाढ़ याद आ जाती है। ये सब इनका दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं।